डेलो पार्क, यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग का भी सीन है। गुड मॉर्निंग यार, व्यू देख लो। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामधुरा। वेदर और व्यू बहुत ही ऑसम है। मैं अभी नींद से उठा। ताईश्वरी कब की उठ चुकी है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मैं रेडी हो गया। अभी मैं और ताईश्वरी और सारे लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। पूरी सब्जी किया है शायद। चलो, ये है वो होम स्टे और हम तो हमारे वाले से आए। इसके नीचे ही हम लोग सब खाना वाना करते हैं, क्योंकि रूम में ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसे ले जाऊंगा फिर क्लीन करना पड़ेगा, रूम वैसे गंदा हो जाता है। तो अभी चलते हैं। बाहर चलते हैं। अभी रेडी होगा, मैं तो रेडी हो चुका हूँ फिलहाल। ताईश्वरी को रेडी होना है, उसके बाद हमने मतलब ऑल टोटल मिला के कार कर लिया है। दो गाड़ी आएगा, एक है इनोवा और एक छोटा कार बोला है, वो क्या मुझे को पता नहीं अभी। तो उसमें हमने पूरा ट्रिप प्लान कर लिया है। यहाँ से पहले हम जाने वाले हैं डेलो। आज रात मेनली लाभा में स्टे है, कल हम लोग निकल जाएंगे पेलिंग के लिए। तो एक बार मैं मेरा होम स्टे दिखा देता हूँ आपको। ये है वो होम स्टे, ये है होम स्टे का ओनर। नाम बोल दो आपका। नाम नवम भुटिया। नवम भुटिया, मैं नवम भुटिया का जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको भी रामधुरा आना है ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे फैसिलिटी देते हैं हमको। तो अभी तो निकलेंगे सर। ठीक है, फिर मिलेंगे। तो ये है हमारा दो रूम, एक और दो। तो ये है हमारा रूम, यहाँ पर डिसेंट साइज दो बेड है। रूम अच्छा है, बहुत बड़ा है, दो बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं और व्यू तो भाई साहब लाजवाब एकदम। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये है बाथरूम, बाथरूम भी ठीक ठाक है, गीजर नहीं है। इन लोगों को बोलना पड़ता है, वो फिर जाके वो लोग गर्म पानी देता है। तो हमारे लिए जो कार मैंने बोला था, दो गाड़ी आ चुके हैं। तो चलिए लगेज लेके चलते हैं। चलो हो गया, तो लगेज ले लिया है, अभी कार में जाके लोड कर देंगे। हम लोग अभी निकल चुके हैं रामधुरा से, अभी हम जा रहे हैं डेलो की तरफ। तभी हम कहाँ गए? ये हम लोग आ गए अभी डेलो में। अभी डेलो में क्या है कि एक हैंगिंग गार्डन टाइप का कुछ है, मुझे अभी प्योरली पता नहीं, ड्राइवर से ठीक से बात नहीं हो पाया। तो ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, देखेंगे क्या है। तो अभी हाँ वहाँ जा रहे हैं हम। और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, बारिश अब तो हमारा साथ ही बन चुका है।
पूरा ये मतलब एकदम पीछे तक गाड़ी पार्किंग में बहुत ज्यादा भीड़ है। डेलो पार्क, वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। यह है टिकट काउंटर, टिकट पर हेड 20 करके है, 20 रुपीज़ पर हेड। अभी शायद से हमें यहाँ से पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। गार्डन है बड़ा सा पार्क टाइप का, और यहाँ पर देख सकते हो आई लव कालिंपोंग ये लिखा हुआ है, और दूर वहाँ पर वो शायद से म्यूजियम है। तो अभी म्यूजियम की तरफ जाएंगे, ये तो देख के हो गया। तो ये है पार्क, यहाँ से एंट्रेंस। चलो ट्रैम्पोलिन, बच्चों के खेलने की चीजें हैं ज्यादातर, घोड़े भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर लगता है वो झरना बना है। हाँ झरना टाइप का ही है, सारे झरना टाइप की है। यहाँ से एक बार पूरा पार्क का व्यू ले लेते हैं। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ कि मैंने सोचा था ये कोई म्यूजियम है, लेकिन म्यूजियम तो ये नहीं है, पोपट हो गया मेरा। अभी वहां पर चलते हैं एकदम टॉप में। डेलो पार्क घूम के हो गया, अब हम लोग उतर रहे हैं। एक जगह मिस हो गया है मेरा, आई लव कालिंपोंग जाना नहीं हुआ क्योंकि बहुत भीड़ है एज यू कैन सी। तो अभी चलो ये हो गया, अभी निकलते हैं। चलो निकल गए हम पार्क से। चलो अभी तो सीन क्या है कि नीचे उतरते टाइम हम लोग को थोड़ा भूख लग गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मोमो शॉप देख लिया, तो राइस का मोमो खाने का इरादा है। हम लोग यहाँ मोमो खाएंगे, तो पार्क से ठीक नीचे ही है ये। चलो तो यहाँ पर आ गए हम लोग मोमो खाने। तो मोमो यहाँ पर, वहाँ पर बहरमपुर में तो खाए हैं, बहुत तो मोमो खाए हैं, तो यहाँ का मोमो तो अलग होगा, तो इसीलिए टेस्ट करने के लिए। और मैं तो हुई एक प्लेट बोला है। हाँ एक प्लेट ही बोला है। हमारा बहुत ज्यादा पोपट हो गया, मतलब मोमो यहाँ पर खत्म हो गया है, तो हम लोग एक प्लेट चार जन शेयर करके खा रहे हैं। ये है मोमो, चिकन मोमो, 80 रुपए का है ये 8 पीस मोमो। चलो खाते हैं। यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग का भी सीन है, मतलब डेलो से नीचे उतरते ही आपको ये पैराग्लाइडिंग का मिल जाएगा, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग जो भी ऐसे है, तो मतलब आपको अगर करना है तो कर सकते हो। अभी लावा जा रहे हैं, तो अभी हम लोग लावा जा रहे हैं, तो चलिए रास्ते देखते हैं।
तो हम लोग रुके हैं, मतलब लावा जाते हुए एक पॉइंट आता है, एक साइट सीन पॉइंट। ये काइंड ऑफ मोनेस्ट्री टाइप का ही है, तो यहाँ जाना है अभी। बारिश होने लगी है बहुत ज्यादा, तो स्ट्रेट लावा चलेंगे अभी, तो चलो। अभी हम लोग लावा में उतर गए हैं और मतलब दोपहर का लंच नहीं हुआ, तो लंच के लिए आए हैं। ये लावा का बस स्टैंड छोड़ के थोड़ा ही आगे है माँ तारा रेस्टोरेंट, बंगाली रेस्टोरेंट है। आज पूरा दिन बारिश में गया, पूरा बारिश, निकले तभी बारिश मिला, सुबह को बारिश मिला, सिर्फ हम जब डेलो में थे तब बारिश नहीं हुआ था। और अभी एक छोटा सा काम बाकी है, हमने होटल नहीं ढूंढा है, तो अभी होटल भी ढूंढना पड़ेगा। हमारा खाना हो गया, अभी हम दोनों निकले हैं होटल देखने, होटल हंटिंग। ये हमारा दिया हुआ नहीं है होटल, अभी दो तीन तो देख के आए ये लोग, लेकिन बोल रहे तुम लोग जाके देख के आओ, जो तुमको पसंद हो वो वाला लो, तो अभी वही करने हम जा रहे हैं। हमने होटल कर लिया है, होटल ऑर्किड इसका नाम है, और यह है हमारा रूम, डिसेंट रूम है। हमारा लगेज जो है वो ऊपर आ रहा है अभी, और बाथरूम ये रहा, बाथरूम भी डिसेंट है, एक गीजर भी है साथ में, और सबसे मज़ेदार बात है सामने भी व्यू है और साइड में भी व्यू। तो रूम से एक्चुअली निकलते ही, ये गेट है, इससे निकलते ही वरांदा मिलेगा। ये पर्सनल नहीं है, कॉमन वरांदा है, लेकिन हाँ बहुत फॉगी है वेदर, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से तो पहले ऐसे आ जाओ, सुबह से तो पहले मतलब बारिश साथ ही नहीं छोड़ रहा था हमारा, जब भी रुक रहे हैं बारिश हो रहा है। मैं तो एक बार भीग के एक चीज़ मुझको खरीदना था, उसका क्रीम था फेस का, तो भीग के मुझको लेके आना पड़ा, क्योंकि मैंने मना भी किया था, मना किया था तो लगेगा ना इम्पोर्टेंट, अभी यहाँ पर नहीं मिलता तो कहाँ जाता, और नीचे कुछ मिल भी नहीं रहे। अच्छा मेन बात, लावा के जो बस स्टैंड के पास हम हैं, यहाँ पर ATM कोई नहीं है, एक ATM है वो चलता नहीं है, मतलब बंद ही रहता है, कुछ भी चलो फ्रेश होकर फिर बात करते हैं।